बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी और वो है बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से दही भल्ले। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी और वीडियो जो मैं है वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी इमली की चटनी। ये हाफ कप इमली का पल्प, इसमें मैं अब डाल दूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 2 छोटी सुरख मिर्च। अब तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल दूँ। चटनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार हुई है। वाओ, इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है और अब मैं तैयार करूँगी ग्रीन चटनी। अब मैं हरी चटनी तैयार कर लूँगी। हरा धनिया 1/2 कप, थोड़ा सा पुदीना, मैं तो दही भड़ों में जो पुदीना हरी चटनी है उसमें मैं कम ही डालती हूँ, अपने अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा। और ये 3 सब्ज़ मिर्चें। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और अब इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूंगी। पहले आलू के लेयर लगाऊंगी। ये 4 आलू थे जो मैंने बॉईल किए थे। और ये 3 कप बॉईल चने वाइट। और ये फुलकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और अब मैं डाल दूंगी हरी चटनी। अब मैं डाल दूंगी दही। अब मैं डाल दूंगी सैलड, ये कटी हुई बंद गोभी। कटा हुआ सलाद के पत्ते। टमाटर। सैलड आप अपनी मर्जी के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर कटी हुई, कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं हरा धनिया थोड़ा सा डाल दूंगी ऊपर और चंद पत्ते पुदीने के। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर मैं छिड़क दूंगी। मज़ेदार से दही भल्ले मैं तैयार कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसकी सॉसेस और ये सारी जो दही भल्ले तैयार हुए हैं, इसका सैलड वगैरह बहुत ही मज़े का है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ानुल मुबारक में मेहमानों को बनाएं, बना के खिलाएं, घर वालों को बना के खिलाएं, सब आपकी तारीफ़ इंशाल्लाह करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।